सो हेलो बर्डो फैमिली, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है। देखो मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। इस बार जाने के लिए वापस नहीं आया हूँ, इस बार बैकअप करेंगे एंड हम लोग कम बैक करेंगे, इसलिए वापस आया हूँ। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि देखो अब से मैं चैनल पे यूट्यूब पे ना अपना लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ। चैनल पे एक वीक में ना दो वीडियो आएंगी एंड हम लोग दो बार ना कम से कम लाइव करेंगे या एक बार भी लाइव कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लाइव भी करूँगा, वीडियो भी अपलोड करूँगा एंड अब ना कंटिन्यूसली आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो बस यार रेडी रह जाना। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, क्योंकि यार सभी लोगों को पता होगा कि हमारे आउटर अपडेट के बाद में बहुत ही अच्छे ना बंदे बहुत ही तगड़े से रैंक पोस्टिंग कर रहे हैं। तो देखो सीएस रैंक में ऐसा ये हो चुका है ना कि बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े प्लेयर आ चुके हैं। तो देखो मैं आपको ऐसे सरप्राइज अटैक ट्रिक बताने वाला हूं ना कि बस आप वहां पर जाकर बहुत ही एक से दो बंदों को तो बहुत ही खत्म कर ही सकते हो। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नंबर 8 ऑब्जर्वेटरी से। तो ऑब्जर्वेटरी पे देखो जैसे राउंड स्टार्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पर रन करते हुए जा रहा हूँ, आप भी फटाफट रन करते हुए यहाँ पे आ जाना। एंड आपको ये भी देखना है सामने से बंदे ये बिल्कुल ऐसे से आते हैं, तो बिल्कुल आप यहीं पे खड़े हो जाना। एंड आपको दो तरफ ध्यान देना, देखो आपको इस साइड भी ध्यान देना है एंड आपको ना बिल्कुल सामने भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ भी बंदे छुपे होते हैं, तो देखो आते हुए भी तीन बंदे को बहुत ऐसे क्लियर कर चुका हूँ। तो आप भी कुछ इस टाइप से क्लियर बंदे को कर देना। सो हम देख ले मैंने नंबर 7 वाला सरप्राइज अटैक प्लेस। अब देखो यहाँ पे देखो जैसे मैं स्टार्ट होता ना केप टाउन प्लेस पे, तो यहाँ पे हम ये ट्रिक ना मैं आपको एक बार नहीं दो तीन बार बता चुका हूँ कि ये ट्रिक कितनी मस्त तरीके से ओपी तरीके से वर्क करती है। आपको सिंपली आप यहाँ पे आकर बैठ सकते हो। अब देखो सामने से कभी कभी एनिमी ना जल्दी आ जाते हैं क्योंकि वो ताशा का यूज करके आते हैं, नहीं तो कभी वो धीरे से भी आ ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल से खड़े होकर उनको बहुत ही स्प्रे करके उनके ऊपर बहुत ही क्लियर भी कर सकते हो। एंड गाइस देखो जिन बंदों के पास ना पीसी होगा ना यार, तो प्लीज यार बता देना पीसी की सेटिंग कैसे होती है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी न्यू पीसी परचेस किया है। चैनल पे जो लोग नए हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो इस चैनल पे ना रेगुलर वीडियो आती रहती है एंड अब तो बिल्कुल रेगुलर आने वाली है। तो प्लीज अगर चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जैसे कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना। एंड मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर है, देखो यार तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट करो। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड मैं बहुत ही मस्त मस्त वीडियो अपने लाने वाले चैनल पे। तो बस थोड़ा सा वेट करो एंड देखने कितना ज्यादा ओपी कंटेंट आने वाली है। अब इस चैनल पर कंटेंट रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल से बैठ चुका था, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता, अपना कवर वाला प्लेस में बिल्कुल मैं छोड़ा नहीं था। अब देखो यहाँ पे अगर गुलवान नहीं लगता ना, तो यहाँ पे एक दो बंदों को तो मैं बहुत इजी क्लियर कर चुका था, लेकिन यहाँ पे एक बंदा गुलवान लगा देता है मैं बहुत इजी उसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो सामने सिर्फ दो बंदे थे तो उनका जो मोगो का मार्क था वो दिख रहा था बहुत ही अच्छे से। अब मैं यहाँ पे बहुत इजी मैच को विन कर लेता हूँ एंड मेरा टीममेट बहुत मैच विन करा देता है। सुन जो नंबर 6 का सरप्राइज अटैक प्लेस बता रहा हूं, ये सरप्राइज अटैक प्लेस देखकर ना आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाने वाला है क्योंकि इस ट्रिक का यूज करके आप इनको बहुत इजी किल कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक गलती बिल्कुल भी मत करना जो मैंने गलती की है। आप देखो बिल्कुल एक सामने गोला लगाना, एक पीछे गोला लगाना एंड यहां पे देखो सामने से बंदे बिल्कुल रन करके आते ही हैं, तो उनको बहुत इजी क्लियर कर सकते हो। अब देखो मैंने यहां पे पीछे गोला नहीं लगाया था इसलिए बंदा पीछे से आ जाता है एंड मैं बहुत इजी क्लियर कर देता है। लेकिन यहां पे देखो मेरा टीममेट आकर बहुत इजी मुझे रिवाइव करता है, फटाफट मैं यहां पे अपने कवर ले लेता हूं एंड जैसे सामने मुझे एक बॉक्स में सामने बंदा दिखता है तो मैं समझ जाता हूं कि वो बंदा जैसे कवर छोड़कर निकलना है उसको बस मुझे किल ही करना पड़ेगा। अब यहां पे पीछे जो पीछे बंदा मुझे किल किया था ना उसको मैं फटाफट किल करके फटाक से मैं कवर में आ जाता हूं। उतने में एक बंदा और भी मुझे पीछे लगता है कि है, लेकिन वो मेरा टीममेट था एंड यहां पे फिर से मैं अपना पोजीशन ले लेता हूं। इसी पोजीशन पे आप पूरे टाइम खड़े मत रहना, यहां से फटाफट ना अपना रिकवर एचपी करके यहां से निकल जाना। सो आपको अब बताऊंगा नंबर 5 वाला सरप्राइज अटैक प्लेस। अब ये प्लेस बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैक्ट्री के होने वाला है एंड ये फैक्ट्री पे यूज करके तो 100% चांस ही है कि 102 बंदों तो क्लियर कर ही दोगे। अब देखो यहाँ पे एक ही चांस ये होता है ना कि आपको पहले इस साइड आना पड़ेगा। अब अगर आप इस वॉल से जल्दी जल्दी आ जाते हो तो यहीं पे एनिमी जो खड़े होते हैं तो इन एनिमी को बहुत इजी क्लियर कर सकते हो। अब देखो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ ना कि एक बंदे को बहुत इजी क्लियर हेडशॉट लगा देता हूँ, इसीलिए ना बंदे यहाँ पे आते ही नहीं है एंड फटाफट ना बंदे घूम के आते हैं पीछे से, तो मैं उन बंदों को बहुत इजी क्लियर कर देता हूँ। जो हम बात करने में नंबर 4 के सरप्राइज अटैक प्लेस के बारे में। अब देखो ये कैसा प्लेस है ना कि 100% चांस होता है कि एनमी एक से एक मिल जाएगा आपको एंड ना हमेशा ये 100% चांस होता है कि एक से दो बंदे तो बहुत इजीली डाउन कर दोगे। भाई वो कितना भी बड़ा प्रो प्लेयर होता है ना उसे बहुत ही जब किल कर दोगे, लेकिन आपको एक से एक ही रूल है कि आपको फटाफट पहले आके वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको ही खेलना है। तो देखो इसके बाद तो मुझे ही खेलना पड़ा एंड मैं बहुत इजी ना एनमी को फाइट कर दे रहा एंड बहुत इजी मैच को विन करा देता हूँ। एंड कमेंट करके यही बताना यार कि आपको किस टाइप को ना टिप्स एंड ट्रिक्स देखना पसंद है, तो जरूर से कमेंट करके बता देना कि प्लीज 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 बता देना। एंड गाइस मैं आप सब दिखाने जा रहा जो सरप्राइज अटैक वो 3 नंबर का प्लेस होने वाला है। अब तो हैंगर प्लेस
बहुत ज्यादा गजब का ये प्लेस हो चुका है। अब यहीं पे खड़े हो ना, यहीं पे मैं बिल्कुल जिस पॉइंट पे खड़े थे ना उसी पॉइंट पे खड़े हो ना एंड बहुत इजी एनिमी किल कर सकते हो। एंड आप ना देखो एक एनिमी को वहां जब किल कर देना तो आप यहां पे आगे खड़े हो सकते हो क्योंकि यहां से ना एनिमी रन करते हुए आते हैं एंड उनको बहुत इजी किल कर सकते हो। ये वाला सर्वाइवल अटैक अप्लाई करो, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला था। अब चलते हैं नंबर टू के बारे में। सो नंबर टू वाला हिडन प्लस है, आई मीन सरप्राइज अटैक है। कभी कभी मुंह से हिडन प्लस निकल जाता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हिडन प्लस की वीडियो बनाता था, आप सभी लोगों को पता है। तो देखो यार कभी कभी गलती से निकल जाता है। तो देखो अगर आपको तासुया तभी ये सर्वाइवल अटैक अप्लाई करो, नहीं तो ऐसा मत करो। देखो अगर जिस प्लेस में गया था ना तो आपको वहां पे फास्ट जाना पड़ेगा। फास्ट जाने का देखो बेनिफिट क्या होता है, जब मैं वहां फास्ट जाता हूं ना तो एनिमी को नजर से बच जाता हूं। तो इसीलिए स्टेट से जब बंदे फायर करते हैं तो इस साइड ध्यान नहीं देते हैं तो हम यहां पे आकर बहुत जी उनको किल कर सकते हैं। अब देखो इस साइड एनिमी थे, मैं फटाफट बॉक्स को कवर लेकर यहां पे खड़ा रहता हूं एंड उनको बहुत इजी क्लियर करते रहता हूं। तो देखो अगर आपको तासुया होता, आपको तासुया हो तभी इस साइड आना, ना ऐसे मत आना, नहीं तो आप इस टू का अप्लाई करोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब हम बात करेंगे नंबर वन के सर्वाइवल अटैक के प्लेस के बारे में। अब देखो ये 100% वर्क करेगा लेकिन इसके लिए भी तासुया नहीं तो आप आलोक का भी यूज कर सकते हो। यानी कि आपको फास्ट रनिंग में थोड़ी सी मदद करे तो आप यहाँ पे आके खड़े हो जाना एंड मैं 100% देखो यही भी बिल्कुल एनमी खड़े थे तो यही भी एनमी खड़े होते ही होते हैं तो आप इनको यहाँ से बहुत इजी क्लियर कर सकते हो। एक एनमी तो क्लियर करोगे ना, हाँ तो एक एनमी बहुत इजी क्लियर कर सकते हो एंड बाकी से पीछे से आके बहुत इजी एनमी क्लियर कर देना। एंड देखो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जैसे कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जैसे करना एंड मेरे अगर आप सब्सक्राइबर हो तो प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड जो लोग चैनल पर न्यू हो प्लीज यार चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।